YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, लाइव सीरीज चल रही है ना, डेली 4:30 बजे मैं साइंस का सेशन लेके आता हूँ। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और हम सेशन को आगे बढ़ा पाए, है ना। तो कुछ ही सेकेंड में स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी से आप पहले वीडियो लाइक कर दें। आज का जो सेशन होने वाला है कोशिका विभाजन के बारे में हम बात करेंगे, है ना, इसके क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। चलिए जल्दी से आप ऐड हो जाइए, वीडियो को शेयर कर दें। सेल डिवीजन के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है सेल डिवीजन के क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। तो जल्दी से आप पहले शेयर कर दें ताकि स्टूडेंट सभी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। और मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो यस बोल दें एक बार कमेंट में, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो यस बोल दें कमेंट में जल्दी से। जल्दी से शुरू करते हैं हम, है ना, शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का जो सेशन होने वाला है वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, है ना। और ये जो सेशन चल रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन आ रहा है, उस उन सारे एग्जाम के हिसाब से ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप बने रहिए और डेली आप ये लाइव सेशन आप ले सकते हैं, 4:30 बजे शाम को क्लास होती है, तो आ जाइए डेली। ओके, कंचन मीना बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के लाइव सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रावस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर जुड़े रहते हैं, ना, कौन सी कोशिका की कौन सी ऐसी प्रावस्था, कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम जो होते हैं सेंटर में आ जाता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम आर अटैच ऑन द इक्विटोरियल प्लेन, है ना। इक्विटोरियल प्लेन का मतलब जो होती है बीच वाली, यहाँ पे सेंटर में आ जाता है ना। कोशिका की कौन सी ऐसी प्रावस्था होती है जहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं, उस प्रावस्था का नाम आपको बताना, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज या नन ऑफ दिस, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करिए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग कंचन, ए बता रहे हैं उमा कुमारी, ए बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। आपको बताना है निम्न में से कौन सी प्रावस्था ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर जुड़े रहते हैं ना, इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज या नन ऑफ दिस। गुड इवनिंग सुशीला, राकेश ए बता रहे हैं, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें से, आज के लाइव सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, सेल डिवीजन के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और आपको बताना किस प्रावस्था में क्रोमोसोम जो है सेंटर में आ जाता है ना, सेंटर में इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, उसको आपको बताना है। सुशीला ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं, है ना। मेटाफेज जो स्टेज होती है सेल की, उसमें क्या होता है क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं सेंटर में आ जाते हैं, इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं उसको, है ना। सबका राइट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव का। देखिए सेकंड क्वेश्चन आ चुके हैं हम, बताइए अर्धसूत्री, है ना, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तीन टाइप के विभाजन होते हैं पता ही होगा, ए माइटोसिस, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना। तो यहाँ पे अर्धसूत्री के बारे में क्वेश्चन आया, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, अर्धसूत्री जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, सट्टन, हॉफमिस्टर या स्ट्रॉसबर्गर या अमीसी, है ना, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा खोजा गया, मियोसिस जो है वो किसके द्वारा खोजा गया,
अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्वेश्चन है, बताइए। मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाई सटन, हॉफ मिस्टर, स्ट्रॉसबर्गर, अमीसी। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। चलिए चलिए देखते हैं। सेकंड का जो राइट आंसर है वो स्ट्रॉसबर्गर है ना। स्ट्रॉसबर्गर ने मियोसिस की खोज करी थी, स्ट्रॉसबर्गर ने मियोसिस की खोज करी थी। सी आंसर इसका राइट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आज के लाइव का थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। 200 पराग कणों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, है ना। आपको बताना है 200 पराग कणों के निर्माण में हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी, विल बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस 200 पोलन ग्रेन, है ना। 200 पोलन ग्रेन्स बनाने आपको, उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करवाने पड़ेंगे, है ना। 50, 100, 199 या 150। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बताइए आंसर। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस 200 पोलन ग्रेन्स, 200 पराग कणों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, बताइए कमेंट करके। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश ए बता रहे हैं, 50 बोल रहे हैं, ठीक है। कंचन मीणा ए बोल रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आप। आज के लाइव का थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेल डिवीजन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें पूछा गया 200 पराग कण, है ना। 200 पराग कण मतलब, पराग कण का मतलब सेल, है ना। 200 सेल्स आपको प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए कितने मियोसिस डिवीजन आपको करवाने हैं, है ना। कितने अर्धसूत्री विभाजन आपको करवाने होंगे, बताइए। एक अर्धसूत्री विभाजन में कितनी सेल बनती है, चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल है, एक मियोसिस जो होता है ना, एक मियोसिस होता है उसमें चार सेल बनती है ना। और अपने को कितनी सेल बनानी है, 200 सेल बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, यहाँ पे लिखा 200 बनानी है, तो 200 में चार का भाग दे दो, सिंपल है ना। कितना आएगा, 50, 50 मियोटिक डिवीजन करवाने होंगे। ए ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज के लाइव का आ गया, बताइए। इसमें आपको स्टेज क्या क्रोनोलॉजी बतानी है ना, ऑर्डर आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस अनेकों अवस्था में विभाजित होती है ना, सही क्रम। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेस होती है ना, उसमें अलग अलग और भी स्टेज होती है ना। प्रोफेस जो होती है उसमें अलग अलग स्टेज होती है ना, तो उसके सिक्वेंस आपको बतानी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, लेप्टोटीन, पेकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस, या फिर लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, या लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेसिस, या लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सीक्वेंस पूछा है, प्रोफेस जो है, प्रोफेस प्रोफेस मियोसिस में जो प्रोफेस होती है उसका सीक्वेंस पूछा है ना। प्रोफेस में अलग अलग चार स्टेज होती है ना, सॉरी फाइव स्टेज होती है, फाइव की क्रोनोलॉजी पूछी है ना। वन बाय वन जो सीक्वेंस क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, वो आपको बताना है। फोर्थ का फर्स्ट कमेंट आ गया है, उमा कुमारी नहीं, वो तो फोर्थ सेल बता, हाँ ठीक है, फोर्थ सेल सही बता रहा है।
तबस्सुम का आया है, तबस्सुम बोल रहे हैं, फोर्थ का डी बता रहे हैं, ठीक है, उमा कुमारी डी बता रहे हैं, कंचन मीना डी बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सिंपल सा इसका मैं हिंट भी बता दूंगा आपको, तो हिंट के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं ना। मियोसिस में मियोसिस की प्रोसेस जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है एज़ कम्पेयर टू ए माइटोसिस, और माइटोसिस की तुलना में देखें तो कॉम्प्लिकेट होती है, उसमें 5 स्टेजेस होती है ना। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेजेस होती है, दिख रही है ना, इसकी क्रोनोलॉजी आपको पूछी है, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। कंचन मीना भी डी बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, चले चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए लेप्टोटीन पेकाटीन, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए बी लेप्टोटीन डाइप, ये भी रॉन्ग हो गया, लेप्टोटीन ये रॉन्ग हो गया, लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन, और ये बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। सिंपल सा अगर हिंट के द्वारा आप याद रखना चाहे तो, है ना, लैपटॉप जींस पैक करके दे दी, लैपटॉप जींस पैक करके दे दिया, लैपटॉप जींस पैक करके दे दिया, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चलिए वेरी गुड, सोनल गुप्ता डी बता रहे, बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, सिक्स आ गया, सिक्स क्वेश्चन बताइए, फिफ्थ वाला मिस हो गया शायद, बताइए। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है ना, वापस से ऑर्डर पूछा है, सेल में अलग अलग जो स्टेजेस होती है उन स्टेजेस का क्रम पूछा है ना, G1, G2, S, M, है ना, S, G1, G2, बताइए क्रम क्या होगा, ऑर्डर पूछा है। सिक्स में भी सेल साइकिल में अलग अलग जो स्टेजेस सीक्वेंस होती है उनका ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर आपको बताना है, बताइए। राकेश सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, उमा कुमारी G1, S, G2, M, ओके, कमेंट करते जाइए, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सीक्वेंस ऑर्डर पूछा है ना, कोशिका जो सेल साइकिल होता है उसका सीक्वेंस ऑर्डर पूछा है आपको, बताना है। सुशीला सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं, सेल साइकिल जो होता है उसका करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, G1, S, G2 और M, है ना, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। और यहाँ पर G1 और G2 का मतलब होता है गैप, है ना, और S का मतलब होता है सिंथेसिस, DNA का सिंथेसिस होता है इस अवस्था में, ठीक है, और M का मतलब होता है ना मल्टीप्लिकेशन फेज या माइटोसिस, है ना, जो भी है। अब देखो याद रखने का सिंपल है, जीवन से जीतू में, जीवन से जीतू में, जीवन मतलब जीवन, ऐसे याद रख लो, जीवन से जीतू में, है ना, तो जीवन मतलब जीवन, से मतलब एस, जीतू मतलब जीतू, और मैं मतलब जीवन से जीतू में, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, सेवन क्वेश्चन देखिए, सेवन का आंसर आपको देना है। पैकेटिन किस समय काल में होती है ना, पैकेटिन अकर्स ड्यूरिंग, पैकेटिन जो होती है वो कहाँ बनती है, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में होती है, ग्रोथ ऑफ सेल में होती है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में होती है ना। पैकेटिन जो फेज होती है या स्टेज होती है वो मियोसिस में होती है, माइटोसिस में होती है, ग्रोथ ऑफ सेल में होती है या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में होती है, बताइए। सेवन क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेवन का आंसर आपको देना है। पैकेटिन अकर्स ड्यूरिंग, है ना, पैकेटिंग किस समय काल में होती है, बताइए, मियोसिस, माइटोसिस, ग्रोथ ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, कोमल शर्मा मियोसिस बता रहे हैं,
बताइए। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश भी ए बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। तबस्सुम ए बता रहे हैं। कंचन मीणा ए बता रहे हैं। सोनल गुप्ता ए बता रहे हैं। चलिए, ऑलमोस्ट सबका सही है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी, है ना। लैपटॉप को मैंने हिंट भी बताया था, है ना। पैकेटिंग जो होती है वो प्रोफेस जो होती है, मियोसिस में प्रोफेस लंबी होती है ना। प्रोफेस के 5 टाइप होते हैं, उसमें से ही एक टाइप जो है क्या है, पैकेटिंग है, और वो मियोसिस में होता है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8th का आंसर आपको देना है। बताइए, निम्न में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मियोसिस टेक प्लेस, है ना। किस में मियोसिस जो होगा, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, पोलन मदर सेल्स या जनरेटिव सेल्स, बताइए। चलिए, सब जने लगभग सी बता रहे हैं। राकेश, सुशीला, उमा कुमारी, तबस्सुम, कोमल, कंचन, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, सी है ना। पोलन मदर सेल जो होती है उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, बिल्कुल सही है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए। निम्न कोशिका चक्र की सबसे संक्षिप्त काल की कौन सी अवस्था है ना। शॉर्टेस्ट स्टेज आपको बतानी है, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या M फेज, बताइए। शॉर्टेस्ट फेज के बारे में बताना। 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा छोटी अवस्था कौन सी है ना, बताइए। एस, G1, अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर पूछा था, है ना। ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, मैंने हिंट भी बताया, G1 से जीतू में, है ना। जीवन से जीतू में, है ना। ऑर्डर तो ये होता है। अब इसमें से सबसे छोटी अवस्था पूछी है, जीवन, एस, जीटू या एम, सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है। फर्स्ट कमेंट किसका आया, पल्लवी जैन का आया। पल्लवी जैन सी बता रहे हैं, G2 फेज बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। कंचन मीना सी बता रहे हैं, G2 फेस बोल रहे हैं। शॉर्टेस्ट पूछी है ना, ध्यान रखिए, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है।
जीवन जी टू में उमा कुमारी बी बता रहे हैं, कोमल शर्मा एम फेस बता रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, पल्लवी जैन सॉरी इट्स चेंज कर रहे हैं, एम फेस को बता रहे हैं। सुशीला बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो सेल साइकिल की जो प्रोसेस होती है उसमें उसका ऑर्डर ये होता है जी1 से जी2 में, है ना। जी1 पहले होती है, एस बाद में होती है, फिर जी2 फिर एम, है ना। और अगर शॉर्टेस्ट पूछे सबसे कम वाली है जो वो कौन सी होती है, एम, है ना। जो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन की जो फेज होती है ना वो एम फेज जो होती है ये शॉर्टेस्ट होती है। सिंपल सा ऐसे याद रखो, आप अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एग्जाम की प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम तो एक दिन में हो जाता है, 1 घंटे या 3 घंटे का होता है ना। तो जो एक्चुअल डिवीजन की जो फेज है वो सबसे छोटी है, बाकी उस डिवीजन में जो तैयारी में टाइम लग रहा है वो बड़ा है। और अगर इसकी इसका अगर ऑर्डर पूछे तो इसका ऑर्डर भी यही होता है, ध्यान रखिए, G1 फिर S फिर G2 और M, है ना। सबसे ज्यादा G1 में टाइम लगेगा, फिर S में टाइम लगेगा, फिर G2 में, फिर M में, है ना। इसका ऑर्डर भी ये होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखिए, बताइए केंद्र की विभाजन के अंत में किसकी उपस्थिति के आधार पर कोशिका प्लेट के निर्माण स्थल को बताया जाता है ना। किसकी किसके आधार पर हम बोलते हैं कि कोशिका प्लेट बन गई है, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल्स के आधार पे, वेसिकल्स के आधार पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आधार पे, या गोल्जी बॉडी के आधार पे, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज द बेस्ट टू द डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेस ऑफ द सेल प्लेट एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियर डिविजन, है ना। किसके आधार पर अपन बताते हैं कि कोशिका जो प्लेट है उसका निर्माण हो रहा है। माइक्रोट्यूबुल, वेसिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर या गोल्जी बॉडी, बताइए। 10th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाँ पल्लवी जैन बिल्कुल सही बता रहे हैं, 2 आवर्स टेक, है ना, टेक इन माइटोसिस फेज। चलिए 10th का बताइए, राकेश ए बता रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स बोल रहे हैं, बताइए 10th का आंसर आपको देना है। राकेश बोल रहे सेल प्लेट फॉर्म बाय गोल्जी, ओके। कंचन मीणा ये बता रहे हैं, केंद्र की विभाजन के अंत में किसकी उपस्थिति के आधार पर कोशिका प्लेट के निर्माण स्थल को बताया जाता है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज द बेस टू डिफाइन द फॉर्मेशन प्लेस ऑफ द सेल प्लेट। चलिए पल्लवी जैन वेसिकल्स बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो वेसिकल्स है ना। वेसिकल्स के आधार पे उसकी पोजीशन तय होती है ना, प्लेस जो फॉर्मेशन का जो प्लेस होता है वो वेसिकल्स के आधार पे होता है, ध्यान रखिए। माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं वहां पर, गोल्जी बॉडी होती है, बट जो प्लेस की अगर बात करें तो वेसिकल्स होगा, है ना। आंसर क्या होगा, वेसिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें सामान्य कोशिका विभाजन होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच शो सिंपल सेल डिवीजन, है ना। सिंपल सेल डिवीजन किसमें होता है बताइए,
माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, आर्कियो स्पोरियल सेल्स या ऑल ऑफ द अबव्स, बताइए। सिंपल सेल डिवीजन के बारे में पूछा है। राकेश लिख रहे हैं सेल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है राकेश। सुनिए, सेल प्लेट गोल्जी बॉडी के द्वारा बनती है, और गोल्जी बॉडी जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी बॉडी के ही होते हैं, है ना। तो यानी कि मोर करेक्ट, मैंने बोला बताया था कि मोर करेक्ट ढूंढना होता है, तो मोर करेक्ट यहाँ पे क्या वेसिकल्स जो नाम आ गया ना, तो वेसिकल्स किसके, गोल्जी बॉडी के ही है, ठीक है, ध्यान रखिए। 11th क्वेश्चन बताना आपको, फर्स्ट कमेंट आ गया उमा कुमारी का, ए बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। 11th क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। निम्न में से किसमें सामान्य कोशिका विभाजन होता है ना, नॉर्मल या सिंपल सेल डिवीजन अकर्स इन विच सेल, माइक्रोस्कोर स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स, आर्कियो स्पोरियल सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। राकेश ए बता रहे हैं। नहीं, राकेश का कमेंट नहीं आया। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, पल्लवी जैन सी बता रहे हैं, राकेश रावत सी बता रहे हैं। बताइए, कमेंट करते जाइए। 11th क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, सेल डिवीजन के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सॉरी, पूछा है सबसे सिंपल सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है ना, सिंपल सेल डिवीजन किसमें होता है आपको बताना है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है ना। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, और आर्कियो में क्या होता है, माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और इन दोनों में से बात करें तो सिंपल कौन सा होता है, माइटोसिस जो होता है सिंपल होता है, और मियोसिस जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्योंकि इसमें इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेज होती है ना, और इसमें डबल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सिंपल कौन सा हो गया, माइटोसिस, तो आंसर क्या हो गया, सी, है ना, सी वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th देखिए, बताइए मनुष्य में माइटोसिस के समय इंटरफेज में लगने वाला समय कितना है ना, मनुष्य में माइटोसिस जो फेज होती है उसमें लगने वाला समय कौन सा है, बताइए। ट्वेल्व आवर्स, 10 आवर्स, 3 आवर्स, 25 आवर्स, बताइए। 12 घंटे, 10 घंटे, 3 घंटे या 25 घंटे, मनुष्य में जो माइटोसिस के समय इंटरफेज में लगने वाला समय कितना होता है, इंटरफेज के टाइम में कितना समय लगता है, बताइए। ट्वेल्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। राकेश ए बता रहे हैं, 12 आवर्स बता रहे हैं। सुशीला ये बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी। इंटरफेस में टाइम पूछा है ना, इंटरफेस जो अवस्था है उसमें कितना टाइम लगता है, माइटोसिस मेन में होती है उसमें कितना टाइम लगता है। चलिए, इंटरफेज जो होती है लॉन्गेस्ट फेज होती है ना, माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज होती है, इसमें कितना टाइम लगता है, 25 आवर्स लगते हैं ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 आवर्स लगते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्वेश्चन। जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस किस विधि द्वारा होता है ना। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय कौन से मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है ना। आपको पता होगा सेल डिवीजन में दो टाइप होता है ना। सेल डिवीजन जो होती है कोशिका का, जब एक सेल है वो डिवाइड होके दो सेल में बदलती है ना, तो उसमें दो चीज़ होती है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटो, पहले होता है साइटोकाइनेसिस है ना। चलो साइटो काइनेसिस है ना। देखिए सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, फिर अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस है ना। दो प्रोसेस होती है। यहाँ पे पूछा है साइटोकाइनेसिस जो होती है वो किस विधि द्वारा होती है, जंतु कोशिका में किस विधि द्वारा होती है। कोशिका खांच विधि, सेल फरो मेथड, सेल प्लेट मेथड, बोथ ए और बी दोनों में विधि से होती है, या फिर नो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस है ना, साइटोकाइनेसिस का अभाव होता है, नहीं होती है सेल एनिमल सेल में, बताइए। थर्टीन का तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, कंचन मीना ए सॉरी बी बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, पल्लवी जैन क्लिवेज फरो बोल रहे हैं, कंचन मीना ए बता रहे हैं, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है किस विधि के द्वारा होती है, आपको बताना है, पेरिफेरी टू सेंटर, ठीक है देखते हैं, सेल फरो मेथड, सेल प्लेट मेथड, या फिर ए और बी, या फिर नो साइटोकाइनेसिस अकर्स, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने बताया था दो प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस फिर कैरियोकाइनेसिस है ना। साइटोकाइनेसिस के बारे में पूछा है, एनिमल सेल के बारे में पूछा था, एनिमल सेल में ये वाला मेथड होता है, कौन सा होता है, सेल फरो मेथड है ना, सेल फरो मेथड है ना। जैसे ये सेल है तो सेल में क्या होती है, या खाँच पड़ती है और ये डिवाइड होती है ना, पेरिफेरी टू सेंटर, बिल्कुल सही बताया राकेश ने, पेरिफेरी मतलब बाहर से अंदर की तरफ खाँच पड़ती है और ये आगे जाके दो सेल में डिवाइड हो जाती है ना। और सेल प्लेट जो मेथड है वो किस में होता है, प्लांट में होता है, ध्यान रखिए किस में होता है, प्लांट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन आज के लाइव का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है अपने को। देखिए प्रोफेज इज लॉन्गर इन है ना, किसकी प्रोफेज अवस्था अधिक लंबी होती है, माइटोसिस, मियोसिस, या फिर दोनों में बराबर होती है, या ए माइटोसिस है ना, बताइए। प्रोफेज जो होती है वो माइटोसिस मियोसिस किसमें लंबी होती है, इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो सबको आना चाहिए, बताइए। आज डिस्कस भी कर चुके हैं अपन, जल्दी जल्दी कमेंट करिए इसका। प्रोफेज इज लॉन्गर इन माइटोसिस मियोसिस इक्वल इन बोथ ए माइटोसिस, प्रोफेज अवस्था किसकी लंबी होती है, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, दोनों में बराबर होती है, या असूत्री। फर्स्ट कमेंट तबस्सुम का आ चुका है, बी बता रहे हैं, वो मियोसिस बोल रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, कंचन मीना बी बता रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। प्रवीण दामोर भी बता रहे हैं, उमा कुमारी भी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं।
प्रोफेज जो होती है किसकी लंबी होती है ना, मियोसिस की लंबी होती है, पता ही होगा, आज क्वेश्चन भी आया था है ना, हम ऑर्डर का पूछा था और मैंने हिंट भी बताया था है ना, लैपटॉप जींस पैक करके दे दिया है ना, लैपटॉप जींस पैक करके दे दिया, पांच स्टेज होती है मैंने बताया था है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन है ना, पांच स्टेज होती है। चलिए पल्लवी मियोसिस बिल्कुल सही है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, बताइए इन वन मियोटिक सेल डिवीजन द सेल डिवाइड है ना, एक अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आपको आंसर बताना है, एक अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन होता है वंस ट्वाइस थ्राइस या फोर टाइम है ना, एक बार दो बार तीन बार या चार बार, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही उमा कुमारी, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है ना, लैपटॉप जींस पैक करके दे दिया। बताइए अब लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मियोटिक सेल डिवीजन जो होता है इसमें सेल कितनी बार डिवाइड होती है, वंस ट्वाइस थ्राइस या फोर टाइम्स, राकेश का कमेंट आ गया, राकेश बी बता रहे हैं, ट्वाइस बोल रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं, बताइए, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आज जो हमने क्वेश्चन किए सेल डिवीजन के क्वेश्चन देखे देखे थे आज हमने है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। पल्लवी जैन बी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है मियोटिक सेल डिवीजन है ना, मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है पहली बात तो है ना, समसूत्री और असूत्री की तुलना में ये कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रोफेज होती है वो लंबी होती है, इसमें फाइव स्टेज होती है ना, और दो बार डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है दो बार डिवीजन होता है, इसीलिए हम एक बार जो डिवीजन होता है उसमें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज बोलते हैं, फिर सेकेंड टाइम होता है फर्स्ट 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 बोलते हैं, फिर सेकंड है ना, सेकंड आ जाता है ना, प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टिलोफेज टू है ना, तो दो बार होता है, सेल कितनी बार डिवाइड होती है, ट्वाइस है ना, दो बार डिवाइड होती है, सिंपल सा है ना। चलिए आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, कंचन मीना भी बिल्कुल सही आपका है ना, कल हम एक नए सेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, कल का जो टॉपिक रहेगा वो इवोल्यूशन का रहेगा रहेगा, आप पढ़ के आइए, इवोल्यूशन के हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, आपके आज के सेशन में कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, आउट ऑफ 15 सॉरी 14 ही थे, आज एक क्वेश्चन मिस हो गया था, आउट 14 में से आपके कितने राइट हुए ये बताना चाहे तो बता सकते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कल हम एक नए सेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन आप पढ़ के आइए, कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इवोल्यूशन है ना। चलिए कल मिलते हैं, वेरी गुड उमा कुमारी, थैंक यू राकेश एंड यूमा, तो कल के लिए आप इवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ के आइए, कल जो हम टॉपिक क्वेश्चन करने वाले हैं कल का जो सेशन रहेगा वो इवोल्यूशन के ऊपर रहेगा, इवोल्यूशन के अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर लगातार आपको क्लास लेनी है ना, ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक मजबूती आ सके, कंटिन्यूस क्लास लेंगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और फ़ायदा ज़रूर होगा, 100% होगा है ना, तो आप रोज़ बने रहिए है ना, 4:30 बजे लाइव होती है, कल हम मिलेंगे, तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, धन्यवाद।